बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता निपुण शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला खादिम सलमान चिश्ती गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज शादी के बंधन में बनेंगे पंजाब के सीएम भगवत मान। माँ और बहन ने पसंद की लड़की, एक दूसरे के काफी रह चुके हैं करीब। अस्पताल में भर्ती लालू प्रसाद यादव की हालत हुई नाजुक, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाने की तैयारी। सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी से फोन पर की बात। राहुल गांधी पर बनाए फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी हुई आक्रामक। ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को लिखा पत्र, चैनल और एंकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। रोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। कल नोएडा पुलिस ने किया था गिरफ्तार, बाद में मिल गई थी जमानत। महुआ मोइत्रा ने अनफॉलो किया टीएमसी का ट्विटर हैंडल। मकाली पर दिए बयान का हुआ था विरोध, बयान से खफा। बीजेपी ने की है महुआ की गिरफ्तारी की मांग। रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की 8 जुलाई को होगी बैठक, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। अग्निपथ योजना पर होगी चर्चा। यूपी के राज कर्मचारियों में मचा हड़कम। सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन किया जा रहा है रिटायर, 31 जुलाई तक इस पर होगा फैसला। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को दी मंजूरी। सीएम मान बोले, हम जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं। राज्यसभा में कल तक के मेहमान रहे मुख्तार अब्बास नकवी, आरपी सिंह, दोनों ने ही मंत्री पद से दिया इस्तीफा। एक बार फिर महंगाई का लगा झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बड़ी कीमत, 50 रुपये प्रति सिलेंडर हुआ महंगा। उदयपुर मामले में सियासत तेज, आरएसएस की राजस्थान में अहम बैठक आज। कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर आरएसएस आज करेगी चर्चा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई, शाही ईदगाह को हटाने की मांग। मथुरा सिविल कोर्ट में चल रहा है मामला। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जुटे सीएम अशोक गहलोत, आज बांसूर का करेंगे दौरा, कानूनी व्यवस्था का लेंगे जायजा। त्रिपुरा में खत्म होगा छात्रों का इंतजार, 10वीं और 12वीं वोट के नतीजे आज होंगे वो घोषित। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर बोला हमला, कहा मैंने वीडियो बनाकर रखा है, मुझे कुछ हुआ तो लोग सरकार की सच्चाई से होंगे वाकिफ। ब्रिटेन में दो मंत्रियों के इस्तीफे से मचा सियासी संकट, वित्त मंत्री कृषि सुनाओ और स्वास्थ्य सचिव साजिद ने दिया इस्तीफा, तो पीएम जॉनसन पर भी पद छोड़ने का बड़ा दबाव। फायरिंग की घटनाओं से लगातार दूसरे दिन दहला अमेरिका, बीते 24 घंटे में 3 जगहों पर शूट आउट से हड़कंप, इंडियाना में 13 लोगों की गई जान। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोरा ने कहा रूस को अलग थलग करने की कोशिश का समर्थन नहीं करता है भारत, भारत है रूस के साथ।